तो ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल आके बैठा है सामने। ये देखिए बैठा हुआ, साफ साफ उसकी चोंच दिख रही है आपको। उसके ऊपर जो ये उड़ा, ये उड़ा, इसकी चोंच के ऊपर जो क्राउन था वो भी दिख रहा था, लेकिन अब नहीं दिख रहा। अभी दोस्तों ऊपर चलता हूँ। बहुत दिनों से उस केज की तरफ नहीं गया जो हमने केज कैंपिंग की थी रात को, और थोड़ा बहुत देखते हैं कुछ निशान वगैरह है क्या। ये देखिए अभी का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये मम्मी बैठी है नीचे, वो दिख रहा है अपना मचान। ये पूरा क्लियर हो गया जंगल ना, एक एक अगर मुर्गा भी यहाँ पे है तो अभी नज़र आएगा। गर्मी में एक महीने का और है, उसके बाद बारिश आ जाएगी और फिर यहाँ पे हरियाली हो जाएगी। कई बार मैं इधर से आता हूँ तो ये मंदिर की तरफ से भी ऐसा पाथवे बना हुआ है यहाँ पे। अब इस वक्त बजे हैं शाम के 6:30, और ये वो टाइम होता है जब लेपर्ड निकलता है। ये देखिए यहाँ से नदी का व्यू आ रहा है, जहाँ दूर मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके वीडियो अपलोड करता था। वन प्लस वाले S24 के तो यहाँ से नहीं होते, ऋषिकेश से ही होते हैं। ये खैर का पेड़ है, ये कत्था होता है ना, कत्था पान में जो कत्था बनता है उसका पेड़ है। इसकी लकड़ी को उबाला जाता है, फिर उससे जो वो निकलता है लिक्विड, उसको जमाते हैं तो ओरिजिनल कत्था बनता है। लेकिन बहुत सारा कत्था आजकल केमिकल वाला चल रहा है। इसकी लकड़ी को भी बचपन में हम लोग क्या करते थे कि मुंह में चूसते थे तो मुंह लाल हो जाता था। इसकी लकड़ी का कोई सा हिस्सा अगर तोड़ोगे ना तो लाल निकलेगा। बार्किंग डियर भी यहीं घूमते रहते हैं। ये वो जगह है जहां जंगल पॉडकास्ट शूट किया था। ये देखिए ये जो रॉक्स हैं, ये पहाड़ी नाला है, यही पहाड़ी नाला एक यहाँ से आता है एक इधर से आता है। और ये देखिए नेचुरल नाला है, आगे तो हमने सीमेंटेड कर दिया लेकिन यहाँ पे एकदम ओरिजिनल है जैसा जंगल में होता है। ये देखिए मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ अपने इस केज पे। बारिश के दौरान शायद आया था जब भिंडी लगाई थी इसके अंदर, तब से आया ही नहीं। ये है वो केज
जिसमें हमने कैंपिंग की थी। कितने बड़े बड़े झाड़ लग गए इसमें, इसकी लकड़ी में दीमक लग गई है। वो देखिए ऊपर से भी एक झरना आ रहा है। अच्छा, जो जंगल की आग आई थी उसने नीचे से लकड़ी जला दी है, ये देखिए हवा में टंगी हुई। यहाँ से निशान दिख रहे हैं ना आग के, यानी इस केज में भी लकड़ी जो काली हुई है, आग इसमें भी आ गई थी। ये देखिए काले काले निशान है, यानी यहाँ भी आग आई थी। लोहा भी काला है। अभी पीकॉक की कॉल हुई यहां से। ये सारी लंटाना है जो जली हुई है, जो जो पूरी सूखी सूखी झाड़ियां दिख रही है ना आपको, ये सारी की सारी लंटाना जल गई, लेकिन ये हरी हो जाएगी बारिश में। बहुत ही ढीठ है लंटाना, जंगल की आग भी इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाती। सारी की सारी सूखी हुई है अभी, लेकिन ये सब हरी हो जाएगी। अब देखिए ये घना जंगल गर्मियों में एकदम क्लियर दिख रहा है पूरा, एक एक अगर कोई जंगली मुर्गा भी यहाँ से चलेगा ना तो नज़र आ जाएगा। और जबकि इतना घना होता है, इवन जब हमने केज कैंपिंग की थी, ये केज दिख रहा है, तब भी यहाँ से एक आई चमक रही थी, हमने टॉर्च मारी थी और एकदम घना जंगल था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन गर्मियों में पूरा नज़र आता है, बारिश में कुछ भी नज़र नहीं आएगा इसमें। और ये जो बीच बीच में से रास्ते दिख रहे हैं आपको, ऐसे पगडंडियाँ दिख रही हैं, इनको बोलते हैं गेम ट्रेल। ये रास्ते बनते हैं जंगली जानवरों के चलने से, जैसे डियर, बार्किंग डियर आप देखते हो अक्सर यहीं घूमते रहते हैं, यहीं चढ़ते रहते हैं। वो नीचे जो दिख रही है वो हमारा रूफ टॉप डेक है, वहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे बार्किंग डियर घूम रहे होते हैं। तो ये गेम ट्रेल ही है, उस पगडंडी से डियर जाते हैं, कभी लेपर्ड जाता है, कभी सांबर डियर जाता है, कभी स्पॉटेड डियर जाता है नीचे नीचे चढ़ने के, और ऊपर इवन जंगली मुर्गा चलेगा, जंगली सुअर चलेगा, तो ये रास्ते बन जाते हैं बार बार चल चल के। तो आप देख रहे हो ध्यान से, तो आपको बहुत सारे रास्ते दिख रहे होंगे। एक मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जो पगडंडी सी बनी हुई है, ये जो चलने के रास्ते हैं, ये गेम ट्रेल है। अगर आप वो मेरा दूसरा चैनल देखते हो, स्टोरी चैनल विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, तो उसमें केनेथ एंडरसन हो, चाहे वो ह्यू एलन हो, चाहे वो जिम कॉर्बेट हो, हमेशा गेम ट्रेल का जिक्र करते हैं कि एक गेम ट्रेल था, मैं वहाँ से वहाँ गया। वो गेम ट्रेल मतलब, क्योंकि शिकार खेलना खेलना वर्ड आ गया ना, तो अंग्रेज लोग, इवन इंडियन भी, शिकार खेलना तो हमारे हिंदी का वर्ड है, तो अंग्रेज लोग स्पोर्ट्स बोलते थे शिकार को। आज भी फॉरेन कंट्रीज में स्पोर्ट्स ही है। डीकैथलॉन का तो एक डिवीज़न है सोलोग नैक, जो कि हंटिंग डिवीज़न है। मैंने दो वीडियो बनाए हैं, रिव्यू वीडियो यहाँ बनाए हैं उनके, उनके हंड चार प्रोडक्ट का रिव्यू किया था मैंने। तो अगर आप डीकैथलॉन और विवेक अवस्थी लिखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। दो वीडियो में चार प्रोडक्ट का रिव्यू किया था यहीं आगे जंगल में जाके। तो वो डीकैथलॉन के सोलोगनैक का ही था, तो अभी भी उसको वो स्पोर्ट्स ही मानते हैं। तो इसलिए गेम ट्रेल का मतलब, आप वही, मैंने इसलिए इतना डिस्क्राइब किया कि गेम का मतलब तो खेल होता है। वो जानवर कहाँ से हो गए, जंगली जानवर कैसे हो गए, वो मैंने आपको समझाया कि शिकारियों के लिए जानवर खेल है, और उसको बोलते थे बिग गेम स्मॉल गेम। बिग गेम मतलब ये चार पांच जो बड़े जानवर होते हैं, और स्मॉल गेम मतलब तीतर बटेर या छोटे जानवर, उसको बोलते हैं स्मॉल गेम। तो इसको बोलते थे गेम ट्रेल। उतरते उतरते मैं भटक गया रास्ता, यही अगर अभी, ये देखिए ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैंने पॉडकास्ट भी किया था, और यहीं पे ऊपर जाके मैंने सोलोगनैक और डीकैथलॉन के रिव्यू वीडियो बनाए थे मैंने। तो ये रास्ता जाता है नीचे, जंगली मुर्गे का पंख।
एक बार और देखो आप 360 डिग्री व्यू। वो सामने मणिकूट पर्वत, यहाँ से पिकॉक बोल रहा है, लेकिन ये अटेंडेंस कॉल है। ये क्या बैठा है, कोई बर्ड्स बैठे हैं क्या? ये क्या है? ये मधुमक्खी की छत्ता है, या तो ये मधुमक्खी का छत्ता है। हाँ, छत्ता ही लग रहा है मुझे। तो काफी बड़ा छत्ता है यहाँ पे, बर्ड तो नहीं लग रही है। ये देखिए, इतना रॉ जंगल अपने एकदम नजदीक में ही है। ये भी जो कॉल हो रही है ना, पीऊ बिल्ली की तरह से, ये भी मोर की कॉल है। ये जोशी जी के खेत जोते हुए इस बार वो मंडुआ बोने वाले हैं। मंडुआ डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, लाल रंग का आटा होता है इसका, मैंने शायद वीडियो में दिखाए हैं वो। दोस्तों जबरदस्त आंधी आ गई है, और ये जो आपको दिख रहा है उड़ता उड़ता दिख रहा होगा, ये पानी है, हवा के साथ उड़ के जा रहा है लहरों में। आप देखो मैं दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ से ये देखिए, आपको लहरें से दिख रही होंगी ना, और यहां से आप व्यू देखो। ये मणिकूट पर्वत बौछारे इधर तक आ रही है, रुको मैं साइड से दिखाता हूँ आपको। बारिश जबरदस्त हो रही है, ये छत का पानी है रूफ टॉप डेक का जो गिर रहा है नीचे। ये ऊपर बादल, आंधी आई है, लेकिन इतनी आंधी नहीं आई कि आम टूट जाएं, क्योंकि जब भी आंधी आती है तो मुझे टेंशन ये हो जाता है कहीं आम तो नहीं टूट जाएंगे। अभी लेपर्ड की आंख चमकी, क्योंकि पिंक में वाइट कलर जैसी आंख थी। जल्दी से ये सुधांशु जी आए, उन्होंने टॉर्च मारी, मैंने देखा एकदम कब ग्रीनिश नहीं थी, मतलब बार्किंग डियर की नहीं थी। और मैं जल्दी से अपनी टॉर्च लेने गया, तब तक मैं बंद कर ली उसने, तो यहीं पे है और लेपर्ड ही है वो, क्योंकि बार्किंग डियर की हल्की सी ग्रीनिश होती है, एकदम पिंक कलर की आंख दिख रही थी। इस जगह पर कहीं थी और बैठ गया, बड़ा सयाना होता जिस तरह से आंख नहीं दिख रही है ये, क्योंकि अगर डियर होता ना तो आंख चमकाता रहता, उसको इसी तरीके नहीं आते छुपने छुपाने के, जिस तरीके से एकदम गायब हो गई आंख। यहाँ कहीं पे था, पेड़ों में ही छुप सकता है ना, एक बार बंद हुई खुली हाँ, और उसके बाद गायब हो गया सुसरा कल की तरह की आई। थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए तो है ना, अब एकदम से चमकाना वाला। नहीं कॉल, वो आपने फाटो को मेरा टाइगर नहीं देखा, बिना कॉल के आया था, तो जरूरी थोड़ी ना, डियर नहीं होगा तो कॉल करेगा कौन। बकी जो है सीधे खड़ी चढ़ाई में चढ़ गया, लगता है कोई बंदर है, बंदर के चक्कर में गया है यहाँ पे, एकदम भागता हुआ खड़ी चढ़ाई है, लेकिन भौंक नहीं रहा है। जंगली मुर्गा भी हो सकता है, पूंछ हिला रहा है, यानी कुछ तो है। वो बंदर मुझे नजर नहीं आ रहा है, अब भौंका। ये दोस्तों सुब्रत जी आए हुए हैं, ये दीपांशु जी हैं,
और ये सुधांशु जी है, ये तो 3-4 दिन से रुके हैं और मेरे ख्याल से सेकंड ट्रिप है इनका। ये पिछली बार बारिश में आए थे, ये मैंगलोर से आए हैं। कल जो लेपर्ड हम लोग देख रहे थे ऊपर से और सामने से, तब ये थे। तो आप क्या बता रहे थे बताओ जरा। शाम को हुई काफी अच्छी बारिश, वो शाम का माहौल इतना बढ़िया था और रात में दिख गए 2 लेपर्ड। पहले तो दिखा सामने उधर उस पहाड़ी पीछे, पीछे वाली पहाड़ी पे, तो वहां पे तो खूब देर तक हम लोगों ने उसको ट्रैक किया। फिर सामने जो है दूसरा लेपर्ड दिखा, वहां उसको ट्रैक किया। फिर एक सांबर डियर दिखा, जो लेपर्ड ऊपर बैठा है और नीचे सांबर डियर घूम रहा है, और 3 से 4 घंटे तक लेपर्ड वहां पर बैठा रहा और दिख रहा है। हम लोग को पता है कि वहां पे बाद में बैठा रहा। ये दीपांशु जी बोल रहे थे रात को निकले थे, काफी देर रात में बैठा था। हम लोगों ने 3-4 घंटे हम लोग ऊपर छत पे थे और तब तक वो बैठा रहा था। उसके बाद लाइट तो यहाँ थी नहीं, दोपहर में बिजली चली गई, बारिश हो रही थी काफी कष्ट के। अच्छा, तब तक जनरेटर नहीं चलाया था? नहीं, जनरेटर नहीं चल रहा था। उस वक्त हम लोग जब खाना खा रहे थे तो ये सेंसर लाइट चल रही थी। हुआ ये कि आप लोग चले गए अंदर रात में खाना वाना खा के, आप लोग अपने अपने रूम में चले गए। इनका टेरेस रूम है, आपका भी ऊपर है। अब मैं और मेरा बेटा, आप इसमें थे ब्रिक हाउस में, ये ब्रिक हाउस। अब वहां से हम लोग टेरेस हाउस से नीचे उतर रहे हैं घोप अंधेरे में। सामने पता चल रहा है पीछे लेपर्ड बैठा है, सामने लेपर्ड बैठा है। अब ये नहीं आइडिया कि वो लेपर्ड वहां से नीचे आ गया है कि वो वहीं बैठा है। और भगवान का नाम जपते जपते हम लोग यहाँ तक आए हैं। और लाइट ऐसे मैं सामने इधर कर रहा हूँ, बेटा मेरे पीछे जाके दरवाजा खोल रहा। मैं पीछे से उसको कोचा, भाई जल्दी खोल मेरे अंदर तो आने। इतना जो थ्रिल था केवल वहां से और यहां तक आने के बीच में जो थ्रिल हुआ है, बाय गॉड, कभी इतना डर नहीं लगा है। सिर्फ कॉर्बेट में भी 3 बार जा चुके हैं, ये थ्रिल नहीं आया? नहीं, कॉर्बेट में तो कोई मतलब ही नहीं। कॉर्बेट में 3 बार गए हैं। अब वहां तो देखिए एकदम लक वाली बात होती है कि आपको कोई चीज दिखे या ना दिखे, बट यहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट में, नो डाउट, बहुत बढ़िया नेचुरल एनवायरनमेंट में, बीच जंगल में आप यहाँ बैठे हो, आपके आगे लेपर्ड, पीछे लेपर्ड। तो एक और जो एक बार मैं बता रहा था ना, टाइगर आया था। ये जो काला पाइप नीचे जा रहा है ना, इस जगह आया था। और वाकई भैया देखो, सीधी बात है, इंसान हो घबराहट होती है, होती है, सबको होती है, डर लगता है। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि भैया डर नहीं है। और मजा इसी चीज का है। और कल मतलब आप सिर्फ ये समझ लीजिए, 5 मिनट का रास्ता है ऊपर से लेके नीचे तक। और 5 मिनट में इतना घबराहट हो गई कि बस लाइट लेके मैं ऐसे खड़ा हूँ, पीछे से बेटे को खोल रहा हूँ, बेटा जल्दी खोल दे दरवाजा, कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं। कल माहौल तो ऐसा ही वाकई। एक्चुअली दोस्तों वैसे क्या है ना, लेपर्ड जब लोग होते हैं नहीं आता है यहाँ पे, उसको पहले मालूम चल जाता है। और सेंसर लाइट हमने लगाई हुई है यहाँ पे। और वैसे क्या होता है, जैसे गेस्ट होते हैं, कल तो रात भर जनरेटर चला, क्योंकि हमें मालूम था कि आंधी आई थी ना, तो फॉल्ट हो गया। जंगल में जब आंधी आती है तो लाइट चली जाती है, फिर सुबह ही आती है। अभी तक नहीं आई है, अभी मेरे ख्याल से 9 बज रहे होंगे 10 बज रहे होंगे। तो रात भर जनरेटर चलाने के लिए, फिर बाद में चला। लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ, मैं सारी लाइटें बंद करा देता हूँ। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, लाइफ में अगर सुकून चाहिए थोड़ा सा भी, और थोड़ा सा थ्रिल चाहिए, अभी आप यहाँ आओ, एक बार आओ, आपका मन करेगा रुकने के लिए। नहीं टाइम हो अगली बार आओ, लेकिन भैया यहाँ जरूर आओ। ये जगह ऐसी है कि आपको नेचर तो आपको है ही, आपको कब क्या दिख जाए और कब अनएक्सपेक्टेड दिख जाए के अलावा फील हो जाए, मतलब जो जैसे कुछ कह नहीं सकता। हाँ, अब वो दिखा, थोड़ा आंख दिखी, थोड़ा चेहरा दिखा, एक बार मूव करता हुआ। हाँ, सामने सामने तो नहीं दिखा ना, ना, लेकिन वो जो सफारी गाड़ी में सामने सामने दिखता है ना, उससे बढ़ के ये फील है। हाँ, क्योंकि वो तो आपको मालूम है कि आप जिप्सी में जा रहे हो, दिखेगा ही दिखेगा। ये तो घबराहट वाली फीलिंग है कि भाई ऊपर बैठा है, कब नीचे सरक के आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली वो आता नहीं है। यहाँ चुका है जब, फिर वहाँ नहीं, जहाँ आप खड़े हो यहाँ भी आ चुका है। ये यहाँ खड़े होके केस कैंपिंग में नीचे पग मत, वहाँ भी आया। नहीं, ये ब्रिक हाउस इसी कमरे के पीछे आया था। और मैं तो सुबह 6 बजे उठ के मैंने बेटे को उठाया, मैंने कहा चल बाहर चलते थे, देखे पगमार्क तो नहीं बने। हाँ, कई रात में घूम फिर। हाँ, तो हो भी सकते हैं, अभी आप नीचे जाके देखोगे, हो सकते हैं। तो अभी इसे कल भूरी ने देखा ना, जो शाम को आप लोग को दिखा है, जब ये, क्योंकि भूरी रात को घर जाता है, चाहे 12 बज जाए, चाहे इसका घर यही नीचे ही है, बिल्कुल मोड़ पे ही है। तो ये गया तो कहाँ दिखा तुमको, मतलब तुम्हारे बरगद के पेड़ इधर, जहाँ से राजू का चढ़ते है रास्ता, मोड़ से पहले। अच्छा, अरे भाई साहब, वो कितने बजे गया तुम? रात भर मूवमेंट किए उसने, वो वाला तो रात में मैंने निकल के देखा है। रात भर वो वाला वहाँ बैठा रहा और इधर वाले ने रात भर मूवमेंट करी है और सुबह नीचे आया है। तो 10:30 बजे दिखा है रात को इसको,
ग्यारह बजे इनको उधर मिला है। यहाँ मिला, यहाँ जहाँ से राजू के यहाँ ऊपर चढ़ते हैं। रात में बकरियों के पीछे आया है। हाँ। वो बकरी चुराने के चक्कर में था, हम लोगों की नजर पड़ गई टॉर्च की रोशनी में, तो वो नीचे भाग नीचे गया, गया। इसलिए सर थोड़ा शोर भी हो रहा था, चमक रहा था, तो उसको डिस्टर्ब हो रहा था। फिर राजू ने भी टॉर्च जला ली थी। हाँ, तो जब राजू ने टॉर्च जलाई ना, तब शायद ये इधर को गया, आप लोग बोले ना लेफ्ट को गया, तब मैं देख नहीं पाया, तो लेफ्ट हो गया। तो वो जब उसने देखा मेरी पोजीशन रिवील हो गई, तो फिर वो इधर चला गया था। फिर बाद में इधर जाके इसको दिखा होगा नीचे। लेकिन इधर वाला आज आपने आप बता रहे हो टाइगर की रोर भी सुनी दो बार। आज दो बार टाइगर की रोर इस वाले पहाड़ से आई है, वहां से सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास दो बार उसने रोर करी थी, और दिखा तो कुछ नहीं, दूरबीन वगैरह लेके, लेकिन रोर क्लियरली सुनाई थी हमको यहाँ पर खड़े होके, करीब 7:30-8 बजे की बात थी। तो दो बार उसने हाउ हाउ करके दो बार जो है उसने रोर करी। हाँ, बट टाइगर हाँ। तो वही है अभी दोस्तों, हम लोग फिर वहाँ जा रहे हैं जहाँ भालू की गुफा थी ना, जहाँ बाल मिल गए थे, तो ये लोग बोल रहे हैं वहाँ चलते हैं। तो दिन का टाइम है, लेकिन आहट करते जाएंगे, भूरी भी है, डंडा भी रख लिया है, पेपर स्प्रे भी है, तो और सिर्फ जेंट्स जा रहे हैं क्योंकि लेडीज़ या बच्चे भी हैं, बच्चों को लेके जाना ठीक नहीं है, तो इसलिए उधर जाते हैं ट्रैक करके देखते हैं। तो आहट करते हुए जाएंगे जोर से आवाज़ करते हुए, और जो दिखेगा वो आपको भी दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं पहले जिप्सी से, और जहाँ तक जिप्सी जाएगी एक जगह के बाद फिर जिप्सी जाती नहीं है, फिर जाएंगे पैदल। पानी वानी रख लिया है, सेफ्टी के इंतजाम है, और जानवर को डिस्टर्ब करना इरादा नहीं है हमारा। आहट करते जाएंगे वो, बाकी फिर देख दाख के। केवल ये देखना है कि उस बार क्योंकि लड़कियां भी थीं, और तो सडनली लग रहा था कि भाई तो आगे गए नहीं कि कहीं भालू हो ना। आहट करते हुए जाएंगे, डंडे वंडे भी हैं, और फिर देखना है बस कि और भी कोई गुफा है कि क्या है, कुछ पैरों के निशान है क्या, और फिर हम लौट आएंगे। ये दोस्तों ये वो जगह है जहाँ वो बड़ा वाला लेपर्ड रहता है ना, इस ये जो पहाड़ी नाला सा दिख रहा है इससे, इसी एरिया में रहता है, और जो बैल को मारा था, और शायद लकी को भी जो हमला किया था यहीं कहीं किया था, क्योंकि उसने यहाँ पे डियर मारा हुआ था, कुत्ते आते थे, तो यहीं कहीं पे लकी पे अटैक किया था। और कल भी जो इन लोगों ने रात को देखा है इधर को आते हुए, एक बार तो आंख मैंने भी देखी है, लेकिन लेफ्ट को आते जब तब मैंने नहीं देखा, और जो शायद भूरी को दिखा है वो इधर वाला लेपर्ड ही होगा, यही होगा दे रहा है। कल दोस्तों इतनी जबरदस्त बारिश हुई ना, लेकिन आज आप देखो इतनी रेतीली मिट्टी है, आराम से गाड़ी भी चल रही है, अगर दूसरी कोई जमीन होती तो यहाँ गाड़ी फंस रही होती। यहां से खतरनाक रास्ता चालू होता है जहां लगता है गाड़ी जाएगी नहीं। ऊपर वो दिख रहा है ना, हाँ। थोड़ा ऊपर उठ रहा है, ये देखिए अभी तो फिर भी रास्ता बना है, आगे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली कभी गई होगी। सामने खच्चर भी जा रहे हैं, ये खच्चर वाले ऊपर रहते हैं पहाड़ के ऊपर। पिछली बार जब मैं आया था तो यहां तक आई थी गाड़ी, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है आगे तक चली जाएगी। और ये ऑफ रोडिंग फन, जिप्सी चलाने में मजा आता है, अगर कोई दूसरी गाड़ी हो भले ही वो ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी हो, लेकिन ये रहता है ना यार कि टूट जाएगी गाड़ी, जिप्सी में ये रहता नहीं है, ज्यादा कुछ टूटने वाला तो होता नहीं है। यार रोक दूं फिर टायर में नुकसान हो जाएगा। एक्चुअली सर ये जो
जिप्सी का इंजन है, इसका ऑयल पैन बहुत ऊपर होता है। अच्छा, हाँ, इसलिए पानी वानी दिक्कत नहीं होती ना। ऑयल पैन इसका और एयर इनटेक दोनों बहुत ऊपर होते हैं। डंडा ले लो, तलवार भी ले लो। मैंने बैट ले लिया। हाँ, एक चीज बातें करते चलेंगे आपस में।